हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर के बारे में, इसमें जानकारी हम लोग लेंगे। तो इसका ड्राइंग जो है हम देख रहे हैं कि ये कैसे बना हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जब इसका हम ड्राइंग बनाते हैं तो इसमें हम रोटर बनाते हैं। रोटर का सिंबल आप देख रहे हैं कि एक गोल रिंग बना करके इसमें हम आर लिख देते हैं, ये रोटर होता है। उसके बाद चूँकि सिंगल फेज मोटर होती है तो हम इसमें दो प्रकार के कॉइल इसमें डालते हैं। एक कॉइल होता है हमारा रनिंग कॉइल, दूसरा होता है हमारा स्टार्टिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल का काम होता है रोटर को गति देना, रोटर को गति देना। चूँकि इसमें कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर के बारे में चर्चा किया गया है, तो ये देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो कैपेसिटर लगाया है। ये कैपेसिटर जो होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर कहलाता है, और ये जो है रनिंग कैपेसिटर कहलाता है। और ये जो पॉइंट है ये एक हमारा स्विच होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम होता है इसको हम थोड़ा समझ लेंगे। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम ये होता है कि जब मोटर का रोटर अपने स्पीड के 80% स्पीड पर जब पहुंच जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ पोजीशन में चला जाता है, ऑफ पोजीशन में चला जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कनेक्शन देखें तो ये हमने फेज लिया हुआ है, फेज और स्टार्टिंग कॉइल के सीरीज में कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि जब हम इसमें सप्लाई डालते हैं तो कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कनेक्शन बना रहता है और रोटर स्टार्ट हो जाता है। रोटर जैसे मूव करता है और मूव करते ही जब ये अपने स्पीड के 80% स्पीड पर पहुंचता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच डिसकनेक्ट हो जाता है, ऑफ पोजीशन में हो जाता है। ऑफ पोजीशन में होने का मतलब क्या कि स्टार्टिंग कैपेसिटर जो है इसका कनेक्शन मोटर से यानी सप्लाई से ख़त्म हो जाता है, और ये जो रनिंग कैपेसिटर है इसको हम परमानेंट कैपेसिटर की तरह प्रयोग करते हैं, तो ये कैपेसिटर परमानेंट लगा रहता है। तो इसके वजह से हमारा रोटर कंटिन्यू चलता रहता है और ये जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ इसलिए लगाते हैं कि मोटर को शुरू में इनिशियली में इसको अधिक टार्क की आवश्यकता पड़ती है, अधिकतर टार्क की आवश्यकता पड़ती है। और ये जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये रोटर को अधिक टार्क दे करके चलाता है। ऐसे मोटरों का प्रयोग हम ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे इनिशियल टार्क ज़्यादा की आवश्यकता होती है, यानी कि शुरू में ज़्यादा लोड पड़ने की संभावना जिन जगहों पे होती है वैसे जगहों पर जो है हम कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन का प्रयोग करते हैं। जैसे आज के परिवेश में हमारा सबमर्सिबल का जो मोटर होता है उसमें जो है इनिशियल टार्क की आवश्यकता होती है, तो उसमें जो है हम स्टार्टिंग कैपेसिटर की आवश्यकता कैपेसिटर स्टार्टिंग का जो है प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें इनिशियल टार्क अधिक की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे जनरली तौर पर देखा जाए तो हर मोटर में हम एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं जिसको हम रनिंग कैपेसिटर कहते हैं। तो ये उसका कनेक्शन आप देख रहे हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो क्या है कि ये स्टार्टिंग कॉइल के साथ एक कैपेसिटर जो परमानेंट लगा रहता है उसको हम रनिंग कैपेसिटर कहते हैं, लेकिन दूसरा उसके ठीक पैरेलल में हम अगर ये गौर करें सेंट्रीफ्यूगल स्विच और स्टार्टिंग कैपेसिटर को, तो ये जो है इसके बिल्कुल पैरेलल में लगा रहता है। यानी
कैपेसिटर की कैपेसिटी को बढ़ा देना। इनिशियली जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगे रहते हैं, जिससे कि कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ी रहती है। लेकिन ये जो कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर, अगर हम परमानेंट लगा के छोड़ दें तो ये मोटर का रनिंग कॉइल जल सकता है। इसलिए यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हम प्रयोग करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच का हमने काम पहले ही बता दिया है कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जब मोटर का रोटर स्टार्ट होने के बाद अपने स्पीड के 80% स्पीड पर जब पहुंचता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ स्थिति में चला जाता है, और जिसके कारण सप्लाई से या स्टार्टिंग कॉइल से कैपेसिटर का कनेक्शन हट जाता है। और इस तरीके से हम कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का कनेक्शन करते हैं और पहचान करते हैं। धन्यवाद।